हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्टिंग मैट्रिक यूनिट्स, है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक यूनिट्स में, जैसे किलोमीटर को मीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, डेसीमीटर में करना है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो इनको आप लोग इसको देखें तो इसमें जो है सारी जो है बताई जाएगी किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे मैंने ये लिख रखा है, सबसे ऊपर जो है किलो, किलोग्राम लगा लो, किलो लीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, है ना। हेक्टो, डेका बेसिक यूनिट में आ जाता है, जो हम बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे मीटर, लीटर, ग्राम, है ना। उसके बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली। तो ये जो छः हैं तो इसको मैं बताऊंगा किस तरह से इनमें कन्वर्ट हम लोग करते हैं। किलो की बात करता हूँ, जो इसमें आ जाता है कितना आ जाता है, हज़ार यूनिट आता है। मतलब कि अगर मेरे पास जो है एक किलो है, है ना, एक किलो या एक किलो, एक किलोमीटर ले लेते हैं, एक किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो कहाँ पे पहुँचा, एक दो तीन, तो मैं क्या वन के आगे तीन जीरो लगा दूंगा, इतने मीटर होते हैं एक किलोमीटर में, 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से हमें जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हेक्टो में जो करना पड़ेगा हमें, कितना, 100 से करना पड़ेगा, 100 यूनिट। अगर मैं इधर जाता हूँ तो मुझे 100 से जो है, एक हेक्टोमीटर है तो मुझे मीटर में करना है, तो 100 मीटर होते हैं, उसमें मुझे 100 की जो है गुणा करनी पड़ेगी। डेका में आता है 10 यूनिट्स, इसमें 1 ही आ जाएगा, 1 की गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। उसके बाद जो है इसमें जो आता है डेसी में 0.1 यूनिट, है ना। इसका मतलब ये है मुझे 10 से जो है इसको भाग लगाना पड़ेगा यूनिट। नेक्स्ट जो है 0.01 यूनिट, इसका मतलब यह है मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा। नेक्स्ट 0.001 यूनिट, तो इसका मतलब ये है मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। नहीं दिख रहा, देख ले तो, है ना, 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, इतना समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5 किलोमीटर है, है ना, 5 किलोमीटर। पहले हम लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना, बाद में औरों की बात करेंगे। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, देखो, तो 5 तो मुझे लेना पड़ेगा इनटू, किलोमीटर से मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी 1000 की, तो इज इक्वल टू कितने, 5000 मीटर होंगे, ठीक है। दूसरा लेते हैं, अब देखना, मैं सेंटीमीटर लेता हूँ, 120 सेंटीमीटर लेता हूँ, इसमें कितने मीटर होंगे, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पर है तो मुझे ऊपर जाना है, देख लिए। अब नीचे जा रहे हैं तो हमें गुणा करनी पड़ रही है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखना है। तो मैं 0.01 से डिवाइड करूंगा, सेंटीमीटर है तो मीटर में करना है, इससे डिवाइड करूंगा तो 1/100 कितने को करना है, 120 को, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1.2 मीटर हो जाएगा। अगर मुझे 120 को किलोमीटर में करना है तो मुझे कितने से भाग करनी पड़ेगी, अब देखना कितने से करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो मुझे जो है इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 से इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 1 लाख से करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जो है मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, कितने, 120 को 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये पहुंचेगा 0.0012 मीटर में होगा, सॉरी किसमें, किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में करता हूँ तो मुझे कितने से करना पड़ेगा, 1 मीटर को किलोमीटर में करना, तो 1000 से मुझे जो है डिवाइड करना पड़ेगा इनटू 1, तो मैं कितना मिलेगा, 0.001 किलोमीटर, है ना। तो इस तरह से मुझे जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो है हमें देखने के लिए मिल जाती हैं यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम में मिल जाती हैं, वॉल्यूम को भी मैं बात कर लेता हूँ। 1 ml इज इक्वल टू 1 ml, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 cm³। आपको सेंटीमीटर में करना है तो कितना, ये भी याद रखना है, 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 cm³, है ना, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर लीटर मीटर, ठीक है, 1 लीटर की बात करता हूँ, ठीक है, 1 लीटर की बात करता हूँ तो मुझे ml में करना पड़ेगा उसको, है ना, यहाँ पर लीटर है, ml में करना पड़ेगा, तो ml में कितना नीचे जा रहा हूँ मैं, तो 1000 से मुझे जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इतने ml ये हो जाएगा।
1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो ये कन्वर्जेशन आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन में मिल जाता है। एक और यूनिट होती है जिसमें हेक्टेयर है ना, हेक्टेयर यूनिट, जो हेक्टेयर जो हम एरिया मेजर करते हैं ना, हेक्टेयर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, हेक्टेयर क्या है, आ हेक्टेयर, एक हेक्टेयर इज स्क्वायर, स्क्वायर लैंड, कोई भी ज़मीन हम जो नापते हैं हेक्टेयर में नापते हैं, दैट इज़, इसका मतलब ये है, दैट इज़ एरिया 100 बाय 100, किसमें, मीटर में, याद रखना आपको 100 बाय 100 मीटर का जो होगा वो 1 हेक्टेयर एरिया कहलाता है। कैसे, ये क्या बन जाएगा, अगर लेंथ ब्रिज सेम है तो ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, तो ये क्या है, 1 हेक्टेयर जो एरिया है ये, है ना। तो कितना है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 × 100 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो एरिया होता है 1 हेक्टेयर में, तो आपको याद रखना 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट जो आता है, कुछ यूनिट हमें मिल जाती हैं टन्स में देखने के लिए, अगर मास की बात करते हैं हम, ठीक है, मास की बात करते हैं, 1 टन, 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है, तो कितना होता है 1000 kg होता है ना, ऐसे तो 1.6 टन कितना हो जाएगा, 1600 kg, आपको याद रखना है ना। चलिए, तो ये तो पता ही हो आप, तो ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हम बात कर चुके हैं पहले, तो इसकी हम करेंगे कितना, 1000 mm हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर जो है 1 मीटर में होते हैं, ठीक है।